राजा भैया ने किसी भी प्रत्याशी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। कारण है कि योग्य प्रत्याशी न होना। राजा भैया ने कहा कि बाबागंज और कुंडा की जनता खुद से फैसला ले कि उसको किसको वोट करना है। जो भी कैंडिडेट उसको अच्छा लगे वो उसको वोट करे। सुनिए राजा भैया ने आखिर कहा क्या है। जैसी कोई बात नहीं थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा है। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है वहां कर सकते हैं। भाजपा संजू बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी की? जहां तक संजीव जी की बात है वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर अमिताभ से भी मुलाकात हुई थी? बहुत बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही अच्छी। आपसे समर्थन भी मांगे होंगे सर? नहीं, अब वो जाने दीजिए, बंद कमरे में क्या बात हुई जिस तरह, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं मुड़ गए, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दे जिसको पसंद करे आप। नहीं, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी, पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा सर आगे की रणनीति क्या होगी जनसत्ता दल? अब आगे जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद हो गया। सर एक सवाल, सर राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी कयास लगाए जा रहे थे कि कौशाम्बी सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहां नहीं बन पाई सर? देखिए पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा भी था और काफी अच्छे अंतर भी निकले थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया आप। एक सवाल, नवम्बर 18 में पार्टी बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। सर एक सवाल और आखिरी बताइए, क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना, क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए हम जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान।